सोने और चांदी की कीमतों में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हावी होते हुए दिखाई दे रही है। दरअसल डॉलर में आई तेजी की वजह से आज सोने और चांदी में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। विदेशी बाजारों की बात की जाए तो सोना जो $1800 के ऊपर निकल चुका था अब $1800 के नीचे का लो लगाता हुआ दिखाई दिया है। आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोना काफी सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि सोने की रेंज जो है वो $1780 से लेकर $1820 तक देखने को मिल सकती है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में भी ऊपरी स्तरों से दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। विदेशी बाजारों में चांदी 1% के आसपास मुड़क चुकी है, $22 के बेहद करीब कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर घरेलू बाजारों की बात की जाए तो घरेलू बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। चांदी ऊपरी स्तरों से लुढ़क चुकी है और अभी 61,700 के आसपास कारोबार करती दिखाई दे रही है। आज 400 अंकों की गिरावट के साथ चांदी में कारोबार देखने को मिल रहा है। तो वहीं सोने की बात करें तो सोने में भी हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली है। बहुत ज्यादा फिलहाल डोमेस्टिक मार्केट में गिरावट आते हुए दिखाई नहीं दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि सोना और चांदी आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ऊपरी स्तरों से दबाव बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि डॉलर के अंदर स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है। डॉलर में आ रही तेजी की वजह से सोने और चांदी के अंदर ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि चांदी आज नीचे में 61,500 से लेकर 61,200 तक लुढ़क सकती है। वहीं सोने की बात करें तो 48,400 तक नीचे में सोना लुढ़क सकता है। वहीं ऊपरी स्तरों पर 48,800 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। यानी एक रेंज बनती हुई फिलहाल सोने और चांदी के अंदर देखने को मिल रही है। वहीं अगर नजर डालें कच्चे तेल पर तो कच्चे तेल की कीमतों में भी ऊपरी स्तरों से दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। जो कच्चा तेल पिछले हफ्ते एक तेजी का दौर में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा था आज ऊपरी स्तरों से लुढ़कता हुआ दिखाई दिया है। $70 के नीचे लुढ़क चुका है और फिलहाल $68 के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कच्चे तेल की कीमतें फिलहाल डगमगाती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि देखा जाए तो ओमिक्रॉन की वजह से कच्चे तेल का सारा खेल बिगड़ता हुआ दिखाई दिया है। अब क्रूड की तेजी पर वापस से ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि दुनिया भर में ओमिक्रॉन के मामलों में फिलहाल तेजी देखने को मिल रही है। यूके में हर दिन 2 दिन में 2 गुने मामले सामने आ रहे हैं। वहीं दक्षिण अफ्रीका डेनमार्क में भी हालात जो है वो खराब बने हुए दिखाई दे रहे हैं। यूएस में फिर से वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा मिलता दिखाई दिया है। तो ये सारे सेंटीमेंट है जो कच्चे तेल की कीमतों पर एक बार फिर से दबाव बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। निवेशकों को ओमिक्रॉन के कारण मांग घटने की आशंका है। वहीं डॉलर इंडेक्स में पहले जो कमजोरी देखने को मिल रही थी उसकी वजह से भी कच्चे तेल के भाव ऊपरी स्तरों से लुढ़के थे। और वहीं अगर देखा जाए तो नेचुरल गैस की कीमतों का पर भी इसका असर होता हुआ दिखाई दिया है। तो फिलहाल कच्चे तेल के अंदर ऊपरी स्तरों पर दबाव बढ़ सकता है और ऐसे में माना जा रहा है कि आज भी कच्चा तेल नीचे में $65 तक लुढ़क है। यानी $68 के आसपास 3.5% की गिरावट के साथ आज कच्चा तेल कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं ब्रेंट में भी गिरावट है, 2.5%, ब्रेंट भी लुढ़का हुआ है। वहीं अगर घरेलू बाजारों की बात करें तो घरेलू बाजारों में अब गिरावट हावी होती हुई दिखाई दे सकती है। जैसे जैसे ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उसका सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है और कच्चे तेल की कीमतें अपनी ऊपरी स्तरों से लुढ़कती हुई नजर आ रही हैं। 2.5% की गिरावट घरेलू बाजारों में भी आज कच्चे तेल में देखने को मिल रही है। ऐसे में स्ट्रेटेजी क्या हो, कच्चे तेल में फिलहाल बिकवाली की ही रणनीति होनी चाहिए। अभी ऊपरी स्तरों पर बाजार लुढ़का है तो आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नीचे में 5180 तक कच्चा तेल लुढ़क सकता है। वहीं ऊपर में 5320 का कैप है। तो अगर देखा जाए तो नीचे में 5180 के टारगेट के लिए फिलहाल कच्चे तेल में बिकवाली करके चला जा सकता है और 5320 का एक स्टॉप लॉस लेकर इसमें बाजार में अपनी रणनीति बनाई जा सकती है। वहीं अगर नजर डालें बेस मेटल में तो बेस मेटल में भी ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता हुआ दिखाई दिया और बेस मेटल भी अपने ऊपरी स्तरों से लुढ़के हैं। कॉपर में भी गिरावट हावी होती हुई नजर आ रही है। वहीं कॉपर के साथ साथ देखा जाए तो निकल भी अपने ऊपरी स्तरों से लुढ़कता हुआ दिखाई दिया है। ऐसे में बेस मेटल्स के अंदर भी आज गिरावट जो है वो हावी हो सकती है और इसीलिए माना जा रहा है कि बेस मेटल के अंदर कॉपर जो है वो नीचे में 728 तक लोअर लेवल जो है वो टच कर सकता है और ऊपर में 742 तक की इसकी रेंज बनती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। आज नीचे में 728 से 732 का टारगेट देखने को मिल सकता है। वहीं निकल की बात करें तो निकल भी ऊपरी स्तरों से लुढ़का
चुका है, नीचे में 1520 तक लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है डोमेस्टिक मार्केट में, और ऊपर में 1560 तक इसके लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो जिंक में भी लेवल जो है वो नीचे में 278 तक आ सकते हैं, और लेड में भी गिरावट हावी होते हुए दिखाई दे सकती है। दरअसल डॉलर में गिरावट की वजह, डॉलर में आ रही स्ट्रेंथ का जो है इम्पैक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर आता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो सोना चांदी ऊपरी स्तरों से फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कच्चा तेल फिसल रहा है, और साथ ही बेस मेटल्स के अंदर भी गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। शॉर्ट टर्म गिरावट है, लेकिन बेस मेटल का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। आने वाले दिनों में बेस मेटल में तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है, इसलिए हर निचले स्तर पर बेस मेटल के अंदर जो है वो गिरावट के अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए। और इसीलिए माना यह जा रहा है कि बेस मेटल्स के अंदर पॉजिटिव रुझान आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर नॉन एग्री कमोडिटीज की बात करें तो नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर आज सोना चांदी नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है, नीचे में 1780 डॉलर तक सोना जा सकता है, और ऊपर में 1820 डॉलर की रेंज फिलहाल देखने को मिल सकती है। तो सोने और चांदी में गिरावट की रणनीति शॉर्ट टर्म में लेकर चला जा सकता है, कच्चे तेल में आज बिकवाली की जा सकती है, वहीं बेस मेटल में निचले स्तरों पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए।